112 ये आपके सवाल। तो इसमें देखो, इसको भी अपन आधार विधि से ही करेंगे। आधार विधि से देखो, ये भी 100 के आसपास है, ये भी 100 के आसपास है, अपने 89 से लेके 119 तक की रेंज में आ रहा है ये। हाँ आ रहा है, तो इसको अपन आधार विधि से कर लेंगे। आधार विधि से करने का मतलब इससे आसान रहेगा। आधार क्या लेंगे इसमें, आधार ले लेते हैं इसमें 100, ठीक है। आधार हो गया अपने 100, विचलन देखो, विचलन ये 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो विचलन क्या हो गया, +8, ठीक है। और ये क्या है, विचलन 12 ज्यादा है, तो विचलन आ गया अपने पास +12, ठीक है। दो विचलन आए, एक तो +8 और एक +12, ठीक है। फिर इधर मैंने फॉर्मेट बता रखा आपको, क्या है, इधर तो लिखेंगे संख्या, इधर क्या लिखेंगे संख्या, और इधर क्या लिखेंगे प्लस विचलन, प्लस विचलन। अब क्या करना है, संख्या के नीचे संख्या, संख्या फिर 112 है, फिर इधर क्या करेंगे विचलन, विचलन ये 112 है, ये 100 से ये कितनी ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 100 से ये कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है, फिर लिखो, फिर नीचे एक लाइन खींच दी। अब क्या करना है देखो, अब वही बताया था मैंने कि आप यदि ये वाली संख्या ले रहे हो, ये वाली संख्या ले रहे हो तो इसके आगे वाला विचलन लेना है, यदि ये वाली संख्या ले रहे हो तो इसके आगे वाला विचलन लेना है। 108 में 12 जोड़ोगे फिर भी 120 ही है, और 112 में 8 जोड़ोगे तो भी 120 ही है। तो आपकी इच्छा पर डिपेंड है, आप कोई भी एक संख्या ले लो, पर थोड़ा सा ध्यान रखना है विचलन। तो इधर क्या करेंगे देखो, इधर ले ले पर अपन संख्या, सूत्र हो जाएगा अपने पास संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन इंटू विचलनों का गुण, इंटू विचलनों का गुण, ठीक है, विचलनों का गुण। तो इधर क्या करेंगे, विचलन क्या है 8 × 12, और इधर क्या है संख्या, संख्या 108 लेते हैं तो विचलन ले लेंगे इधर 12, 108 में 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा 120, और इधर देखो 12 8 96, इधर क्या हो गया 96। अब देखो आधार में 0 कितनी है, 2, तो यहाँ 2 अंक आ गए, तो अब भी इनको कहीं नहीं भेजना है, बीस साइड इन दोनों को चिपका भी लिख दो, तो 120 96 ये आंसर हो गया, ठीक है, आया होगा समझ में। अब देख लेते हैं इसकी थोड़ी उपाधान विधि में क्या होगा। उपाधान विधि में 1 से लेकर 19 तक की संख्या है, 89 से लेकर 119 तक की संख्या के बीच अलावा कोई किसी भी संख्या आ जाए उसमें आप उपाधार विधि लगा लो। कौन सी विधि लगा लो, उपाधार विधि। उपाधार विधि का वैसे एक ही सवाल दे रखा है आपकी किताब में, लेकिन 9th में थी उपाधार विधि, यह भी बिल्कुल आसानी है, बस थोड़ा सा चेंजेस में एक उपाधार अंक और ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं इसमें। उपाधार विधि तो देखो, सबसे पहले तो लेंगे अपन आधार, इसमें क्या लेना पड़ेगा आधार, जैसे 24 × 36 करना है अपने, तो सबसे पहले तो लेंगे अपन आधार, तो आधार क्या लेंगे, यहाँ ले लेते हैं आधार 10, आधार ले लेते हैं 10, ठीक है। फिर लेना पड़ेगा अपने को एक उपाधान, उपाधान अंक लेते हैं पहले, क्या लेते हैं उपाधान अंक, उपाधान, उपाधान अंक क्या लेंगे, जो यहाँ कॉमन दिख रहा हो उसे ले लेते हैं उपाधान अंक, उपाधान अंक क्या हो जाएगा 2, फिर होगा उपाधान, फिर उपाधान कैसे प्राप्त होता है, आधार इंटू उपाधार अंक, दोनों को गुणा करने पर क्या होता है उपाधार अंक, उपाधार होता है, इसी उपाधार से ही विचलन निकलेगा, इसी उपाधार से ही अपन विचलन निकालेंगे, तो विचलन इस उपाधार से कंपेयर करेंगे, तो विचलन क्या होगा इसमें, विचलन क्या है +4 है, जब मतलब उपाधार से 4 ज्यादा है तो क्या लिख लेंगे +4, और उपाधार से ये +6 कम है, सॉरी +6 ज्यादा है तो 6 लिख लेंगे, ठीक है। फिर मैंने बताया था इधर तो क्या लिखनी है अपने पास, अपने को संख्या, फिर इधर क्या लिखना है विचलन, ठीक है, संख्या के नीचे संख्या और इधर संख्या लिख दो, इधर क्या लिखेंगे विचलन, विचलन क्या है अपने पास 4, और इधर क्या है विचलन 6। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, थोड़ा सा इसमें क्या ध्यान देना, सूत्र वही है संख्या प्लस विचलन, क्या होगा सूत्र, देखो सूत्र होता है अपने पास आधार विधि से करें तो संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलनों का, विचलनों का गुणा। यदि उपाधान विधि से कर रहे हो, उपाधान विधि से कर रहे हो तो क्या होगा, इस संख्या प्लस विचलन को आप उपाधान अंक से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां क्या आ जाएगा उपाधान अंक, उपाधान अंक, बस ये उपाधान अंक यहां और गुणा हो जाएगा। सूत्र वही है संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलनों का गुणा, लेकिन उपाधान विधि से कर रहे हो तो यहाँ उपाधान अंक गुणे में जाएगा, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना अपने। तो उपाधान अंक क्या लिया था अपन ने 2, संख्या क्या ले रहे हो, यदि आप 24 ले रहे हो तो नीचे वाला विचलन लेना है 26, 24 में 6 जोड़ोगे 30, यदि आप 26 ले रहे हो तो भी 26 में 4 जोड़ोगे तो भी 30, तो कोई सा भी ले लो आप, जैसे मैं ले रहा हूँ 26 +4 ले रहा हूँ, ठीक है।
छब्बीस प्लस चार इधर कर लिया, इधर करेंगे विचलनों का गुणा, विचलन क्या है चार और छः, छः चौक चौबीस, ठीक है। इधर गुणा करेंगे, इधर इधर इनको सोल्व करेंगे, तो इधर सोल्व करेंगे ये होगा तीस और होगा इंटू दो, तीस इंटू दो, तीस इंटू दो क्या होता है साठ, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, इधर तो साठ है उधर चौबीस है, अब आधार में देखो, आधार में जीरो कितनी है, आधार में जीरो है अपने पास एक, तो यहाँ क्या रोकना है एक ही अंक रोकना है, यहाँ एक ही अंक रोकेगा, आगे ये दो है आगे इसको ट्रांसफर कर लो, तो इसको दो इसमें जोड़ देंगे दिया हो जाएगा बासठ, इधर तो बचा है बासठ, ठीक है, इधर बचा है बासठ और इधर क्या हो जाएगा चौबीस बचा है, तो इधर से अपन लिख लेंगे बासठ चौबीस, एक मिनट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इधर इनको जोड़ने पर क्या हो गया साठ, अब क्या करेंगे दो इधर ले लेंगे, इधर इधर ले लेंगे दो, तो इसमें दो जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा इसमें बासठ, अब इन दोनों को चिपका के लेते हैं, इधर तो बासठ इधर से चार, बासठ चार यानी छः सौ चौबीस, ये आंसर हो गया इसका, ठीक। एक और चौपन इंटू छप्पन देखो, चौपन इंटू छप्पन, आधार क्या लेंगे दस, विचलन क्या लेंगे सॉरी उपाधार अंक क्या लेंगे, कॉमन अंक हो जो उपाधार अंक हो जाएगा अपना, उपाधार अंक या कॉमन अंक क्या है पांच पांच है, तो उपाधार अंक हो गया पांच, विचलन क्या हो जाएगा सॉरी उपाधार क्या होगा पचास, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पचास, फिर विचलन क्या होगा विचलन उपाधार से कंपेयर करना है, विचलन उपाधार से कितना ज्यादा है चार ज्यादा है तो प्लस चार, ये कितना ज्यादा है छह ज्यादा है तो प्लस छह, प्लस चार और प्लस छह, ठीक है, ये लगाना जरूरी है, मैंने अनिवार्य एग्जामिनर को पता चलना चाहिए। फिर मैंने वही सूत्र बताया था, इधर क्या लिखेंगे संख्या, इधर क्या लिखेंगे विचलन, संख्या क्या है चौवन, संख्या क्या है छप्पन, विचलन क्या है प्लस चार, विचलन क्या है प्लस छः, ठीक है। फिर ये नीचे फॉर्मेट बनाएंगे अपन, इधर क्या लिखेंगे उपाधार अंक, उपाधार अंक इंटू कोष्टक सॉरी कोष्टक संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलनों का गुणा, विचलनों का गुणा, ठीक है, ये सूत्र याद हो जाएगा, दो तीन बार लिखोगे आप तो, उपाधार अंक, उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन, विचलनों का गुणा, विचलन क्या है चार और छः, छः चौक चौबीस, और उपाधार अंक क्या है अपने पास, उपाधार अंक अपन ने पाँच लिया था, इधर इधर वापस देखो, यदि आप चौवन ले रहे हो तो छः लेना है, यदि छप्पन ले रहे हो तो चार लेना है, तो छप्पन में चार जोड़ो तो भी साठ, चौवन में छः जोड़ोगे तो भी साठ, तो इधर होगा साठ और इधर बचा है इंटू पाँच, तो पाँच छः तीस यानी तीन सौ, और इधर क्या है चौबीस बचा है। अब क्या करेंगे देखो, अपने पास आधार, आधार आधार में शून्य एक है, तो यहाँ एक ही अंक रोकना है, आगे इस दो को भेज दो, तो इधर इधर दौड़ लेंगे इसको दो को, तो ये हो जाएगा तीन सौ दो, और ये हो जाएगा यहाँ बचेगा चार, तो अब चिपका भी लिख दो जीरो दो चार यानी तीस, तीस चौबीस, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आई होगी, बिल्कुल आसान विधि है।